अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, थंबनेल देखी है ना, आई एम श्योर कि आप मुझसे एग्री करेंगे कि बच्चे और नौजवान, चलो उनके हाथ में तो होता ही होता है मोबाइल, मगर हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, जो सीनियर हजरात हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी सारा वक्त फ़ोन के साथ लगे रहते हैं। उनकी सारी दिन की एक्टिविटी व्हाट्सएप होती है, या वो रील्स चेकआउट कर रहे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं, और वो एक फिर हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं घर में जो आ जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपने हमने उनके हिसाब से क्या किया हुआ है, टीवी लगा के दे देते हैं, वही स्क्रीन टाइम, उनके हाथ में मोबाइल होता है, वही स्क्रीन टाइम, वो अपने बच्चों से, मिलने वालों से, बहन भाइयों से जो इधर उधर होते हैं, उनके साथ वीडियो पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, वही स्क्रीन टाइम, कुछ चीज़ें इंगेजिंग नहीं होती। हमने कुछ क्रिएट ही नहीं करके दिया हुआ भाई, यानी हम उनको क्या कहें, क्या है हमारे पास, हम उनको इतना यूजलेस कर देते हैं, हालांकि उनमें इतना पोटेंशियल होता है। आज की मेरी ये जो वीडियो है ना, ये डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए कि भाई जिन लोगों के पास कोई एवेन्यूज हैं उसको क्रिएट तो करके दो। अब जैसे कितने सारे लोग हैं उनके पास पार्लर्स हैं, ठीक है, या जिम की फैसिलिटी है, तो आप जो है वो जिम फॉर सीनियर्स भी कर सकते हैं। दो साल या पिछले साल की बात है, कराची में मैंने अपनी अम्मी को ज्वाइन करवाया था योगा फॉर सीनियर्स, और वो चेयर के ऊपर बैठ के एक्सरसाइजेज होती थी। एक तो वो घर से निकलती थी, दूसरा इंटरेक्शन होती थी, एक और नेटवर्क उनका बढ़ता था, एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी भी थी, और उनकी बोन्स के लिए भी जाहिर है बहुत अच्छा होता है योगा करवाना। जब बच्चों की बात आती है या नौजवानों की बात आती है, तो हमने इतने सारे एवेन्यूज उनके लिए क्रिएट करके दिए हुए हैं। बच्चों के लिए तो अब इतनी चीज़ें हैं, अब समर ब्रेक हो गई है तो जी हर जगह समर कैंप लगा हुआ होगा, विंटर ब्रेक है तो जी विंटर कैंप लगा हुआ है, उनकी ये एक्टिविटी है, उनके यू ट्यूशन सेंटर्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, नौजवानों के लिए भी हैं ऑफकोर्स, जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो किया जा सकते हैं। मसला कहाँ होता है, जहाँ अब हमारी बात आ जाती है हमारे बड़ों के लिए, घर में हम क्या एक्टिविटीज़ उनके लिए देते हैं। कभी हम सोचते हैं कि इनको भी रिक्रिएशनल की ज़रूरत है। मैं तो ये देखती हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन अब ये हो जाती है कि भाई आप बस इबादत करें, आप इबादत करें, खाएं पिएं और अपने कमरे तक महदूद रहें। अफसोस की बात पता है क्या होती है कि हमारे पास सारे वसाइल भी होते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास ये वसाइल हैं घर में, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा इशू नहीं है, मगर वो प्रायोरिटी नहीं देते अपने पेरेंट्स को या अपने घर में बड़े लोगों को, उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं होता। उनकी प्रायोरिटी थी ओह मेरे बच्चे के लिए ये स्कूल के लिए गाड़ी जा रही है, ये ऑफिस के लिए जा रही है, ये फलाना हो रहा है, ये ढिमकाना हो रहा है, तो हम लोग उनको इतना पीछे कर देते हैं। ये मैं आज ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सीनियर्स के लिए आर्ट एक्टिविटीज़ का एहतमाम करें। कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती, और ये बताने की क्या मुझे अभी भी ज़रूरत है कि जब आप उनको इंगेज करेंगे उसमें आर्ट एक्टिविटीज़ में, तो उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, उनकी इंगेजमेंट ज़्यादा होगी, वो खुश ज़्यादा होंगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, और अच्छा लगता है जब आपने कोई चीज़ क्रिएट भी की हुई हो। आर्ट और क्राफ्ट की तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे ही मिल जाती है, इंटरनेट भरा पड़ा है, मगर होता ये है कि उनको प्रोवाइड तो करें सामान का, उनके साथ कभी बैठ के खुद भी कुछ चीज़ बनाएं, उनसे भी बनवाएं, क्योंकि वो इस एज में आते हैं तो उनको भी लगता है कि ये क्या बच्चों वाली काम मैं करूँगी या करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे, और अगर मैं इंटरेस्टेड भी हो गया तो बड़ा फ़नी लगेगा, या वो सारा वक्त इसी में रह जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते, और बस उनके दिन यही होते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, तो इनको इंगेज करें। मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंने क्रिएट किए हैं कलरिंग पेजेस फॉर सीनियर सिटीजन्स, जो कि अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे miramalik.com/resources। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, सिंपली आप इधर जाएं, डाउनलोड करें, उसके प्रिंटआउट्स निकालें और उनको दें, एक पेंसिल कलर का डब्बा दे दें, और अगर आप बहुत ही नेक औलाद हैं तो फिर आप उनको पेंटिंग का सामान ला के दे दें, उनके लिए कोई अच्छी सी टेबल अरेंज कर दें। जो कलरिंग पेजेस हैं उसमें तस्वीरें नहीं हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस टाइप के मैंने शीट्स बनाई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो तस्वीरों में कलर करना पसंद नहीं करते। इसको देखें, हैव अ लुक एट इट, और इंगेज करें अपने बुजुर्गों को, उनको इंगेज करें, उनको किसी ना किसी क्लब मेंबर का हिस्सा बनाएं। अगर आपको आसपास नहीं भी नज़र आ रहा है तो कुछ अल्लाह के बंदों खुद कुछ ही खुद ही क्रिएट कर लें, यानी ऐसी भी क्या बात है, जब अपने लिए कुछ करना होता है तो सारे वसाइल जो है ना हम इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अपने लिए एंटरटेनमेंट निकाल ही लेते हैं। इनको मत भूलें, क्योंकि रिक्रिएशनल इनके लिए, इनके पास कोई रिक्रिएशन नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली मिसिंग।